ए दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं आदर्श आप सबका स्वागत करता हूँ रायपुर फ्री लव में। और सभी सुरक्षित हैं, सभी स्वस्थ हैं, मैं ये कामना करता हूँ। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद से आज मैं वीडियो बनाने के लिए आया हुआ हूँ। सो कुछ रीज़न है, और जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं रायपुर फ्री लव के नाम से, कि पिछले कई सालों से मैं इसमें फूड की पोस्ट डालता हूँ, जो मुझे खाने में पसंद आते हैं वो मैं डालता हूँ, स्टोरीज डालते रहता हूँ, कुछ ना कुछ आप लोग के लिए इवेंट्स कराते रहता हूँ, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है इस पेज में। तो काफ़ी लोग मुझसे प्रभावित भी होते हैं, कुछ लोग मुझे गाली भी दे देते हैं कि यार क्या कर रहा है, पर ठीक है, मोहब्बत करने वालों भले ही कम हो पर अच्छा लगता है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोई टेंशन नहीं होती है। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू, मुझे लोग बोलते हैं बहुत ही अच्छा कंटेंट डालते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ देखने को मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं आपकी रीच बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा आप फॉलोअर्स आपके हैं, तो आप एक इन्फ्लुएंसर हो। तो मुझे बोला इन्फ्लुएंसर मतलब आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, आप खुद भी डालते हो तो लोग उसे देखते हैं, उसे सोचते हैं, उसे समझते हैं, और कहीं ना कहीं से आप उनको प्रभावित करते हो तो वो उस बात को मानते हैं। पता नहीं वो कितने परसेंट लोग हैं, बट वो कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों को मानते हैं, और उसकी वजह से सामने वाले कुछ भी मैं डालता हूँ तो उनसे उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो कई लोगों ने मुझसे बोला कि गाइज आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो आप हमारे लिए भी काम करिए। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक बहुत ही मैं PR फील्ड से आता हूँ, और मेरी खुद की PR एजेंसी है, तो मुझे ये टर्म बहुत अच्छे से समझ आता है इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड क्या होता है। तो जो ये वर्ड है इन्फ्लुएंसर, उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आपके पास बहुत अच्छी खासी रीच होती है लोगों की, तो उससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या आप ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर कुछ अच्छा चीज़ कर रहे हैं तो उसका हमको कुछ पेबैक मिलना चाहिए? मतलब मैं जस्ट राय ले रहा हूँ आपसे, अगर आपको मतलब कुछ भी मैं गलत लगता हूँ तो बिल्कुल मुझे बोलिएगा आप लोग, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कुछ चार्ज लेता हूँ उसका, कुछ पेबैक मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 सालों से इस पेज पे हूँ और इस 5 सालों में मैंने बहुत मेहनत की है, आप लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट डालना, रेगुलर कुछ ना कुछ शेयर करना, बहुत मेहनत करके घूमना, फोटोज़ खींचना, लोगों को ये मजाक लगता है, ऐसा लगता है नहीं यार ये क्या यार, ये तो कोई भी कर सकता है, मोबाइल लिया, फोटो खींचा, अपलोड किया, बस। गाइस सही बात है, शुरुआत में हमें भी ऐसा लग रहा था, फिर लगा छोड़ देते हैं, जितना टाइम इसमें लगा रहे हैं उससे उतना टाइम अपने काम पे देंगे, शायद ज़्यादा कमा लेंगे, बट ये पैशन लगता था नहीं यार, कमाने के लिए थोड़ी ना है, पैसे नहीं कमाना है, नाम कमाना है, मोहब्बत कमानी है आप सभी से, कमाया हमने मोहब्बत, कमाई हमने हर चीज़, पर अब समय आ गया है। कई लोग ऐसे होते हैं कि यार आदर्श तू तो अपना भाई है, डालना पोस्ट डाल दे, स्टोरी डाल दे, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे। कई लोग बोलते हैं हम आपको पे करेंगे, बोलते हैं वाओ थैंक यू सो मच सर, आपने अप्रिशिएट किया, अच्छा लगता है, बट अरे यार मज़ा नहीं आया, पूरा महीने पर काम करने के बाद मज़ा नहीं आया यार पहले का भी एक दो स्टोरी शायद बचा हुआ है, फिर मैं आपको बताता हूँ पेमेंट के लिए, कहीं सही है। और मेरे रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हैं, आदर्श का मतलब होता है फ्री, मतलब मेरे समझ में आदर्श का मतलब तो अच्छा होता है, पर इस आदर्श का नाम का मतलब होता है फ्री। अरे अपना भाई तो यार डाल देना, मैं भी डाल देता हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती मैं डाल भी देता हूँ, कुछ के लिए मैं बहस कर देता हूँ नहीं डालूँगा, तो लोगों से टर्म्स ख़राब हो जाते हैं, लोग मुझे बोलते हैं यार आप गलत इंसान हो, अब आप दूसरों को प्यार करते हो, हमें भूल गए हो। ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारे आते हैं, मेरे को डेली 5 से 10 स्टोरी डालने के लिए लोग आते हैं, मैं उनसे कुछ पेमेंट भी बोलता हूँ, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ कि आपसे इतना ले लूँगा, मेरे को समझ आता है कि यार कौन कितनी ज़रूरतमंद है, किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब जो बिल्कुल ही नया है और कोई लेडीज़ बोलती है तो मैं बहुत कम ही चार्ज करता हूँ उनको, मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं बस बोलता हूँ, समझाता हूँ, अगर उनको लगता है नहीं यार हम नहीं कर सकते, मैं कर देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करता हूँ, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट किया मैंने, शायद पिछले 3-4 महीनों से मैंने इस चीज़ को समझा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना चाहिए, इससे आपकी वैल्यू गिरती है। पर यहाँ पे मेरे अब रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं लोगों से, कि ये सही है, अगर मुझे वर्ड बोला गया आप एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर सकते हैं, मुझे इन्फ्लुएंसर लोग बोलते हैं, फूड ब्लॉगिंग तो मैं नहीं बोलता, मैं ब्लॉगर तो हूँ नहीं, मैं एज ए इंस्टाग्रामर वर्क कर रहा हूँ, पर क्या मैं इतनी मेहनत करने के बाद एक छोटा सा अर्न करने के लिए छोटी सी अगर एक अमाउंट मांगता हूँ कि यार सही बात है मेरी मेहनत का मुझे मिलना चाहिए, मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ।
पेपर में अगर आप ऐड देते हैं एक फुल पेज का तो 10 लाख का होता है। चलिए सिटी वाले साइड में आते हैं, 3 लाख का होता है। चलिए सबसे छोटे पेपर में आते हैं, 25,000 का होता है एक दिन का। पता नहीं वो कितने लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट होती है, बट मेरे एक पोस्ट जाती है 20,000 लोग देखते हैं उसे, एक स्टोरी देखते हैं 4,000 लोग। तो वो एक पेपर के बराबर ही है। पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है एक छोटे से पेपर का? 5,000, 3,000, 2,000। पर यहाँ पे तो आपको एक पोस्ट से 20,000 लोग देख रहे हैं, एक स्टोरी से आपको 4,000 लोग देख रहे हैं। कन्वर्जन्स भी होते हैं काफ़ी, मुझे बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स लोग अप्रोच भी करते हैं और वो मेरे को पे भी करते हैं। बट रायपुर और यहाँ के आसपास के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे सोचते हैं यार भाई अपना कहाँ पैसा देंगे इसको, अपना पैसा थोड़ी ना। यार आप वही चीज़ आप पेमेंट दूसरे प्लेटफॉर्म में आप पे करते हो, आप सिनेमा ऐड में पे करते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में पे करते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के पेज को ग्रो करने के लिए आप साथ साथ 10,000 रुपये, 15,000 रुपये मेहनत देते हो। आपको पता है कि आप इस तह तक आप पहुंचने में आपको 5 साल लग जाएंगे। अगर मैं डेली काम कर रहा हूँ, मैं एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट होने के बावजूद भी मैं इतने दम तक अगर पहुंचा तो आपको करने में शायद 10 साल लग जाएंगे इस पेज इस रेशियो तक पहुंचने में। तो क्या आपको एक स्टोरी अगर आप डलवाते या फिर एक पोस्ट डलवाते हो, सोचो आप अगले 5 साल के आगे के बराबर तक आप पहुंच जाओगे रीच तक। पर लोगों को नहीं समझ आता ये चीज़, अरे यार आदर्श का तो पेज है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। मुझे आज ये थोड़ा सा गिल्ट महसूस हुआ लोगों से जब मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ ब्रदर पैसे लगेंगे, इट्स चार्जेबल, अमाउंट चार्ज करूँगा मैं कुछ। लोग बोलते पागल हो गया क्या भाई, क्या बात कर रहे यार, अपना भाई है तू फिर भी ऐसा बोलता है। बोलता हूँ अपना भाई हूँ मैं तेरा भाई हमेशा रहूँगा। पर जब ऐसा काम है कि जब मेरी वजह से आपको थोड़ा सा प्रमोशन मिल रहा है, आप मेरी वजह से आप अर्न कर सकते हो, तो मुझे देने में क्या ऐतराज़ है, क्या प्रॉब्लम है? समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सोचिएगा। मेरे से और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं मेहनत करते हैं, उनके साथ तो ऐसा है कि यार चलो ठीक है भैया, क्या बोलेंगे भैया पैसे के लिए, अच्छा नहीं लगता। ये लोग बोलेंगे कि पैसा मांगने लगा, अरे भैया हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो हम जो अपना मन होगा हम वो डालेंगे। हम किसी के कहने पे अगर डाल रहे हैं, हाँ ये चीज़ भी नहीं कि हम कुछ भी डाल रहे हैं, हमने उस चीज़ को परखा है, जांचा है, समझा है, पर हम उसका प्रमोशन तभी करेंगे जब वो चार्ज पे करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।